हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक करेंगे क्लास एट की, और उसमें हम करने वाले हैं लेसन एट हमारा भारत 3, जो आपकी हिस्ट्री की बुक है, उसका कंपनी की शोषणकारी नीतियां व उनका विरोध। कार्यपत्रक एक, पहला क्वेश्चन है, उन सभी चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी उपलब्धता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन सभी चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी उपलब्धता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो हैं सूती एवं रेशमी वस्त्र, धातु, खनिज पदार्थ, मसाले, औषधि, कीमती पत्थर। तो इनकी उपलब्धता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जैसे मैंने ये लिखा है, सूती एवं रेशमी वस्त्र, धातु, खनिज पदार्थ, मसाले, औषधि, कीमती पत्थर। आगे लिख सकते हैं हम कि भाई इनकी उपलब्धता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ से ले लेंगे, इनकी उपलब्धता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, 1600 AD। उसके बाद है थर्ड, कौन सी व्यवस्था भारतीयों के लिए नरक का द्वार बनी? तो व्यापारिक नीतियां भारतीयों के लिए नरक का द्वार बनी थी। व्यापारिक नीतियां भारतीयों के लिए नरक का द्वार बनी थी। क्वेश्चन फोर है आपका, 1857 के संग्राम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो वो था अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराना, अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराना। इतना भी लिख सकते हैं, बुरा भी लिख सकते हैं, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना 1857 के संग्राम का मुख्य लक्ष्य था। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना 1857 के संग्राम का मुख्य लक्ष्य था। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक दो पर। पहला क्वेश्चन है इसमें, आपके विचार में जब कोई बाह्य शक्ति हमारे देश पर अपनी जड़ें जमाए तो आप क्या क्या साहसिक कदम उठाएंगे? तो जब कोई बाह्य शक्ति हमारे देश पर अपनी जड़ें जमाए तो हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे, वो हैं, पहला, जनता में जागरूकता उत्पन्न करना, जनता में जागरूकता लाना। फिर है सामूहिक हितों के लिए मिलकर कार्य करना, जो हमारे सबके हित जुड़े हुए हैं यानी जो सामूहिक हित हैं उनके लिए मिलकर कार्य करना। और फिर है बाह्य शक्तियों का पुरजोर विरोध करना, जो भी बाह्य शक्तियां हैं उनका पूरा विरोध करना। सेकंड है, प्रमुख जनजाति विद्रोह कौन सा था? यह विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो प्रमुख जनजाति जो विद्रोह था वो संथाल था, जो सिदो और कहानू के नेतृत्व में हुआ। प्रमुख जनजाति विद्रोह संथाल था, जो सिदो और कहानू के नेतृत्व में हुआ। थर्ड है, कंपनी कौन सी वस्तुओं को भारत से इंग्लैंड में लेकर जाकर बेचती थी? तो वो हैं सूती एवं रेशम कपड़ा, मसाले, औषधि, कीमती धातु एवं खनिज पदार्थ आदि वस्तुओं को भारत से इंग्लैंड जाकर बेचती थी। तो कंपनी जो है वो सूती एवं रेशम कपड़ा, मसाले, औषधि, कीमती धातु एवं खनिज पदार्थ आदि वस्तुओं को भारत से इंग्लैंड में ले जाकर बेचती थी। अब कार्यपत्रक तीन है, कुछ हस्तशिल्प उद्योगों के नाम बताइए जो आपके आस पड़ोस में स्थित हो। तो हस्तशिल्प उद्योग जो हैं, जो आस पड़ोस में स्थित हैं, वो हैं फर्नीचर उद्योग, बुनाई उद्योग एवं जूता उद्योग। आप अपने और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, फर्नीचर उद्योग, बुनाई उद्योग एवं जूता उद्योग। सेकंड है, किसी अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? तो किसी अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए हमें नियम,
कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। जो अनुचित व्यवहार से संबंधित नियम और कानून हैं उनकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है स्थाई बंदोबस्त डैश में लागू किया गया। स्थाई बंदोबस्त डैश ईस्वी में लागू किया गया तो यहाँ आएगा 22 मार्च 1793। सेकंड है महालवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व की डैश महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व की तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। उसके बाद तीसरा है भारत में पहली रेल डैश के समय में चलाई गई थी। तो भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। चौथा है 1857 का संग्राम डैश की भावनाओं से ओतप्रोत था। तो 1857 का संग्राम जो था वो राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत था। पांचवा है डैश ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के फलस्वरूप बंगाल में अंग्रेजी कंपनी ने ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। तो 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के फलस्वरूप बंगाल में अंग्रेजी कंपनी ने ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। अब है सही के सामने राइट व गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाएं। पहला है बक्सर का युद्ध 1857 में लड़ा गया, गलत है, 1764 में लड़ा गया था। सेकंड है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, बिल्कुल सही है। थर्ड है भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई, बिल्कुल सही है, राइट है। फोर्थ है 1857 के संग्राम का मुख्य लक्ष्य भारत को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराना था, ये भी सही है। अब चलते हैं आगे। प्रश्नों के सामने सही चित्र का नाम लिखो। पहला है स्थाई बंदोबस्त के संस्थापक, दूसरा है अंग्रेजों की लगान वसूल करने को दर्शाया गया है, थर्ड है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक थे, और फोर्थ है किसानों के शोषण को, और पांचवा है भारत की गरीबी का चित्र। प्रश्न के सामने सही चित्र का नाम लिखो। तो स्थाई बंदोबस्त के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की पिक्चर है, तो ये फर्स्ट पे जाएगी। तो मैंने मैच भी कर रखा है स्थाई बंदोबस्त के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस और यहाँ वन लिखा हुआ है। सेकंड है अंग्रेजों की लगान वसूल करने को दर्शाया गया है, तो ये सबसे लास्ट में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं ये अंग्रेजों की लगान वसूल करने को दर्शाया गया है, ये मैच किया हुआ है और इसके आगे टू लिखा हुआ है। अब चलते हैं थर्ड पे, रैयतवाड़ी संस्थापक, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसके संस्थापक थे वो थॉमस मुनरो, तो ये मैच कर रखा है रैयतवाड़ी संस्था व्यवस्था के संस्थापक थॉमस मुनरो, यहाँ थ्री लिखा हुआ है। फिर है किसानों के शोषण को दर्शाना है, ये मैच कर रखा है यहाँ पे, ये यहाँ जाएगा और यहाँ चार लिखा हुआ है कि ये चार से मैच होगा। पांचवा है भारत की गरीबी का चित्रण, तो आप ये देख सकते हैं भारत की गरीबी का चित्रण, ये मैच हो रहा है और इसका भी फाइव लिख रखा है कि ये फाइव पर आएगा। तो स्थाई बंदोबस्त के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस, अंग्रेजों की लगान वसूल करने को दर्शाया गया है वो ये है लास्ट वाला। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक थॉमस मुनरो, ये है किसानों के शोषण को यहाँ दर्शाया गया है, और भारत की गरीबी का चित्रण यहाँ पर किया गया है, क्लियर। इसके बाद है उचित मिलान करो। प्लासी का युद्ध, सर थॉमस मुनरो, स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, सोने की चिड़िया। दूसरे कॉलम में है थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत 1757 और रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो स्टूडेंट्स प्लासी का युद्ध मैच होगा 1757 से, वहाँ वन लिखा हुआ है। सर थॉमस मुनरो ये मैच होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था से, टू लिखा हुआ है। स्थाई बंदोबस्त मैच होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से, थ्री लिखा हुआ है।
रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये मैच होगी थॉमस मुनरो से। तो ये एक किस्म से दोनों जगह होगा, जैसे यहाँ थॉमस मुनरो है तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था है तो थॉमस मुनरो, और फिर है सोने की चिड़िया जो है भारत है। तो सभी को मैंने मैच किया हुआ है, प्लासी के युद्ध को 1757 से, सर थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था से, स्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस से, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो से, और सोने की चिड़िया को भारत से। अब चलते हैं कार्यपत्रक 5 पर। उन 3 राज्यों का विवरण दीजिए जो जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कर वसूल करने का अधिकार मिला। तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के पश्चात, 1764 में जैसे आपको बताइए कि बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 राज्य हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर एकत्र करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 8 है वो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।